हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स दिस इज़ आर लेक्चर 20 फॉर एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ईपीएफओ आई हैव सीन कि कुछ बच्चों को डाउट क्रिएट होना शुरू हुआ एक आधे बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर जो लेक्चर है करंट अफ़ेयर्स का दिस इज़ मोर फॉर यू सिविल सर्विसेज और ई के हिसाब से ठीक नहीं है सो so, डेफ़िनेटली आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको जो है आ, पता चलेगा समझ में आएगा कि क्यों इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं एंड uh, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर क्यों डालते हो तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके रहते हैं और डायरेक्ट ए बी सी डी वाले फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपके रहते हैं मिक्स रहता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप uh, एक क्वेश्चन के अंदर आपके तीन चार फैक्ट्स कवर हो जाते हैं तो आप डाउट उस चीज़ में मत रखो और uh, डेफ़िनेटली आपको ये करंट अफेयर्स के क्विजेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल रियलाइज दिस व्हेन यू गिव योर एग्जामिनेशन बिकॉज यूपीएससी इज़ वेरी मच अनएक्सपेक्टेड ठीक है बहुत अनएक्सपेक्टिंग वे uh, में बिहेव करता है वो तो आपको एडवर्स के लिए तैयार रहना है ठीक है आज अगर थोड़ा सा uh, uh, आउट ऑफ द वे आकर के पढ़ाई कर लोगे तो डेफिनेटली वो कल को काम आएगा ओके चलिए एंड दीज आर द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट शिक्षा डॉट कॉम ओके सपोर्ट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन पर या फिर आप मेल कर सकते हो सिक्सित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ओके चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इंडियन स्टेट यूटी विल बी इंडिया फर्स्ट इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम अंडर यूके स्पेस एजेंसी प्रोग्राम ऑन इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग यूजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सो कौन सी इंडिया की ऐसी स्टेट है जो पहली इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जिसके अंदर होगा जिसके अंदर यू के स्पेस एजेंसी प्रोग्राम काम कर रही है लद्दाख वेस्ट बंगाल उड़ीसा और जम्मू एंड कश्मीर न दिस इज़ अ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ठीक है और आता या ना आता वाला सिचुएशन इसके अंदर बनता है इसके अंदर अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश करोगे देन डेफिनेटली आप अपना पेपर ख़राब कर रहे हो एंड द आंसर ओवर वेयर इज़ ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर ठीक है स्टेट और यूटी टी यहाँ पर मैंशन था सो जम्मू एंड कश्मीर इज योर यू एंड द राइट आंसर इज़ डी ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए रेफरेंस टू भिम्बेदका केव्स जब आप कहोगे कि सर भिम्बेदा केव्स आपने क्यों यहाँ पर घुसा दिया क्योंकि हमारा हिस्ट्री और कल्चर तो हमारे ई के एग्जाम में तो नहीं है लेकिन बिम्बेतका केव्स आपका आ, पेपर के अंदर क्या है करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशू तो करंट अफेयर्स का हॉरिजन इतना वाइड हो जाता है कि इसके अंदर अगर आपका कुछ हिस्टोरिकल जो इवेंट है वो भी अगर न्यूज़ के अंदर है तो वो डेफ़िनेटली आपका कवर होगा इसके अंदर ठीक है so, सो बिम्बेतका केव से रिलेटेड आपसे पूछा गया है सबसे पहला इट एग्जिबिट्स द अर्लीस्ट ट्रेसेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया स्टेटमेंट टू कहता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है स्टेटमेंट थ्री कहता है कि फुट हिल्स ऑफ विंध्या माउंटेन्स के अंदर लोकेटेड है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे यू कैन नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू जस्ट कल्चर और हिस्ट्री बिकॉज ये बहुत बेसिक जीके है ये बहुत बेसिक जीके के अंडर ये वाले फैक्ट्स आते हैं कि क्या आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पता है अब अगर आप कह दो कि अगर uh, एग्जामिनर ने आपसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पेपर में पूछ ली और वहां पर आप उसको ये कह करके कंप्लेंट करने लगो कि भाई तूने सिलेबस में करंट अफेयर्स नहीं मेंशन किया था वो कहेगा कि बेटा ऐसा है कि अब मैं अगर तेरे से ये पूछ लूँ कि इंडिया का नेशनल एंथम क्या है तो उसमें भी तू मेरे को कहेगा कि ये तो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है क्या ठीक है कई चीज़ें होती हैं जो बेसिक जी होती हैं उनको सिलेबस डिफाइन नहीं करता समझ रहे हो कई चीजें बेसिक जीके के अंदर आती हैं उनको सिलेबस डिफाइन नहीं करता अब में से रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई रेड फोर्ट का है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ लिया मेरे से तो ज्योग्राफी का पार्ट है और वहां पर जाकर के धरने प्रदर्शन करने लग जाओ कोई फायदा नहीं है ठीक है तो बेसिक क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको पता होनी चाहिए इंडिया के अंदर सारी यूनेस्को चाहे वो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है चाहे वो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं मैन एंड बायोस्फेर रिजर्व के अंदर कितने बायोस्फेर रिजर्व आते हैं वो आपको पता होना चाहिए इंडिया में बायोस्फेर रिजर्व्स कौन से कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए वो बायोस्फेयर रिजर्व कौन से कौन से स्टेट के अंदर हैं ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट आपके जो नेशनल पार्क हैं और इंपॉर्टेंट आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आपको पता होने चाहिए जो न्यूज़ के अंदर नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी स्टेट में है कहाँ पर है क्या इंपॉर्टेंस है पता होना चाहिए ये सब बेसिक जीके में आता है बेसिक नॉलेज के अंदर आता है और इसके अंदर फिर आप उसको सिलेबस से डिफाइन करने की कोशिश करोगे देन सॉरी माई फ्रेंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द यू पी ओके सो दूसरा स्टेटमेंट तो देखो बिल्कुल करेक्ट है तो मैं पहले तो अगर एलिमिनेशन भी लगाऊं तो ये दो तो गए ठीक है अब मेरे को बस ये पता होना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है तो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके अब न्यूज़ में क्यों था सबसे पहले ये देख लो क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने यहाँ पर तीन फॉसिल्स डिस्कवर किए हैं और ये फॉसिल्स माना जाता है कि दीज आर द फॉसिल्स ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल जो अराउंड अराउंडी मिलियन ईयर ओल्ड एक एनिमल है जिसको डिकन कहा जाता है और इसके फॉसिल्स यहाँ पर मिले हैं तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट रिसर्च है ह्यूमन uh, एवोल्यूशन uh, uh, में या एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के ऊपर ठीक है जी सो आर्कियोलॉजिकल साइट सेंट्रल इंडिया के अंदर पेलियोलिथिक एंड मिजोलिथिक पीरियड की ये साइट है अर्लीस्ट ट्रेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ आपको यहाँ पर मिलते हैं स्टोन एज के एविडेंसेज यहाँ पर आपको मिलते हैं ओके okay जी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सेवन हिल्स एंड ओवर सेवन फिफ्टी रॉक शेल्टर्स यहाँ पर आपको में देखने को मिलेंगे दस किलोमीटर के रेडियस में जो स्प्रेड है बिम्बेदकर रॉक शेल्टर्स जो है इनको uh, इनकी फाउंडेशन किसने की थी वी एस वाकंकर वा नाइनटीन फिफ्टी सेवन में भाई साहब ने बताया था कि इस तरह के कोई रॉक शेल्टर्स इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता क्या क्या ये बेसिक जीके के अंडर नहीं आ गया ठीक है इट इज लोकेटेड इन राइजिंग डिस्ट्रिक्ट बिटवीन होशंगाबाद एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश स्टेट आपको पता होनी चाहिए इज़ अबाउट फोर्टी किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल इन द फुटिल्स ऑफ विंध्या माउंटेन्स ओके तो विंध्या माउंटेन्स अगर वो यहाँ पर आपको विंध्या की जगह सतपुरा दे देता तो वो गलत हो जाता तो ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन है द ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसबिलिटी द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी ये एक रिपोर्ट है ये किसने रिलीज की है यू ने डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड द बर्न ऑन इंडिया सोसाइटी किसने ये रिपोर्ट रिलीज किया बेसिक क्वेश्चन वंस अगेन फैक्चुअल एंड द आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है वर्ल्ड बैंक की ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है ओके सो यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो रिपोर्ट है वो रिलीज की थी ऑन वर्ल्ड बैंक बिहाफ ओके एंड द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर इन कोलेबोरेन विद एन जी ओ सेव लाइफ फाउंडेशन तो वर्ल्ड बैंक प्लस एन जी ओ सेफ लाइफ फाउंडेशन यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर फोर इंडियन स्टेट में से डाटा कलेक्ट किया गया था यूपी बिहार तमिलनाडु और महाराष्ट्र तो हॉलिस्टिकली पूरे कंट्री को कवर नहीं किया गया चार स्टेट uh, के बिहा पर यह रिपोर्ट जो है वो कंपाइल की गई है ऑल राइट चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए which of the following statements are correct with respect to national coal index national coal index करके आपका ये इकोनॉमी का पार्ट जो है वो बन जाएगा ठीक है इकोनॉमी से रिलेटेड ये करंट अफेयर आपका आ गया तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज अ प्राइस इंडेक्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स द चेंज ऑफ प्राइस लेवल ऑफ कोल ऑन अ पर्टिकुलर मंथ रिलेटिव टू द फिक्स्ड बेस ईयर तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में मेरे को क्या पता होना चाहिए कि क्या ये कोल के प्राइस चेंज की बात करता है पहली चीज दूसरी चीज मुझे पता होनी चाहिए कि क्या ये मंथली डाटा uh, जो है वो निकालता है दूसरा बेस ईयर इज इन लाइन विद द डब्ल्यू पी एज बेस ईयर दैट इज टू थाउजेंड इलेवन ट्व बेस ईयर आपको यहाँ पर गिवन है तो क्या बेस ईयर इसका दो हजार ग्यारह बारह ये मुझे पता होना चाहिए दूसरे स्टेटमेंट में तीसरे स्टेटमेंट में इट विल ऑल्सो इंक्लूड अ सेपरेट सब सब इंडेक्स फॉर द रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर यानी कि कोल सेक्टर जो सरकार जिसको रेगुलेट करती है और जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ठीक है तो इसमें सेपरेट सब इंडेक्सेस निकाले जाते हैं रेगुलेटेड सेक्टर के और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के ये भी मुझे इसमें पता होना चाहिए सो so, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है ऑप्शन ए वन ओनली बी थ्री ओनली सी वन एंड टू एंड डी इज टू एंड थ्री ओनली बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसमें चलो सो आंसर विल बी ऑप्शन ए सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि बेस ईयर गलत गिवन है और ये रेगुलेटेड ऑनरेगुलेटेड वाला कुछ नहीं है एक बार डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं सो नेशनल कोल इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने निकाला है बेसिकली बेस ईयर दो हजार सतारह अट्ठारह तो पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद होना चाहिए डायरेक्टली पेपर के अंदर देखो अब ए बी सी डी वाले क्वेश्चन भी अगर बनेंगे जो विदाउट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है उसमें वो सीधा सीधा पूछ लेगा व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द नेशनल कोल इंडेक्स ठीक है मैंने यहां पर स्टेटमेंट बेस में कवर कर दिया ताकि आपके और भी क्वेश्चन कवर हो जाए देखो मेरा जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है जो मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका है उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि ये जो दस क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ दस क्वेश्चन का बेनिफिट ना दें ये बीस पच्चीस क्वेश्चन का बेनिफिट दें कम से कम ठीक है सो द प्राइस ऑफ कोल फ्रॉम द सेल्स चैनल ऑफ कोल इंक्लूडिंग इंपोर्ट आर टेकन इन अकाउंट ठीक है इंपोर्ट को भी अकाउंट में लिया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंफ्यूजन हो जाती है इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शेयर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्शन ब्लॉक्स शुड बी अराइव एट यूजिंग बाई एन तो रेवेन्यू शेयर कितना होगा कोल की नीलामी करती है सरकार ठीक है तो कोल की नीलामी में सरकार जो है रेवेन्यू शेयरिंग लेती है रॉयल्टी लेती है तो सरकार कहती है कि कितना रेवेन्यू लेना है कितना रॉयल्टी लेना है वो भी हम uh, ये नेशनल कोल इंडेक्स के बेस के ऊपर डिराइव किया करेंगे ठीक है

ठीक है जी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कंपनीज की वैल्यूएशन भी इससे की जाएगी जब वो उनको कॉल ब्लॉक वगैरह असाइन कर दिया गया है उसके बाद परफॉर्मेंस देखेगी ना सरकार की कितना इकोनॉमिकली uh, इन्होंने इसको यूज किया ठीक है मेनली तो आपने अपने अब ई वाले बच्चों ने तो मेनली क्या याद रखना है एक तो बेस ईयर एक इसमें इम्पोर्ट भी इंक्लूडेड है रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर वाला जैसा कुछ भी नहीं है ठीक है और सरकार इसको इस्तेमाल करेगी किस चीज़ के लिए किस परपज़ के लिए ताकि वो जो फीस uh, जो उन्हें लेनी है या रॉयल्टीज़ जो उन्हें लेनी है कोल ब्लॉक से वो उस तक आ सकेगी कि कितनी जायज रॉयल्टी है फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फैक्चुअल क्वेश्चन है तो देख रहे हो मिक्स uh, एक करने की कोशिश की जाती है अल्टीमेटली आपके फैक्चुअल क्वेश्चन को और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ओके सो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ इंस्टेंट मैसेजिंग एप सेंट्स ठीक है इनमें से किसने इंडिया की ये मैसेजिंग ऐप है सेंट्स जो है ये बेसिकली आपकी व्हाट्सएप जैसी एक ऐप है तो किसने इसको डेवलप किया है आपसे सी ये सीधा सीधा सवाल यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन ए इज दैट इज योर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया ऑप्शन बी इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग दैट इज योर सी डैक ऑप्शन सी इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एन टी आर ओ एंड ऑप्शन डी इज नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर निक तो किसने इसको डेवलप किया है फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड द आंसर इज ऑप्शन डी इट हैज बीन डेवलप्ड बाय निक ओके ये जो पर्टिकुलर ऐप है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जैसे मैंने आपको बताया जैसे आपका व्हाट्सएप है वैसा ही एक ऐप है और इसको यूज़ करने के लिए आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो पहले ये ऐप सिर्फ सरकारी अफसरों के लिए थी लेकिन अब इसको कॉमन पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है ठीक है तो व्हाट्सएप वालों के जो बीच में नखरे आने शुरू हो गए थे कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी और ये वो तो इंडियन जो सरकार है वो कहती है ऐसा करो तुम अपनी ऐप निकालो और ये व्हाट्सएप वालों को यहाँ से चलता करो और बेसिकली उसके बाद उनमें थोड़ा सुधार भी आया था है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इस को के अंदर अपने करके चलना की पूछा जा सकता है ठीक है हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका न्यूज में काफी ज्यादा रहा था ओके okay जी तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है डेवलपमेंट से रिलेटेड कि जो है डेवलप इसको किसने किया है एक तो डी आ गया लॉकहेड मार्टिन आ गया जो एक यूएस की कंपनी है ठीक है जी दूसरा स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर कंट्रोल फायर कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर एंड विथ स्टेबिलाईज साइटिंग दैट वर्क इन ऑल लाइट कंडीशन अंधेरे में रोशनी में हर जगह काम करेगा करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है और आंसर इसमें क्या होगा अगर आपने अर्जुन मेन बेटल टैंक के बारे में पढ़ा है तो अपने को ये पता है कि ये इंडिजीनियस है ठीक है इंडिजीनियस डेवलपमेंट है इसकी इसको पूरी तरह से भारत में बनाया गया है तो लॉकिड मार्टिन तो यूएस की कंपनी है तो यूएस की कंपनी है तो मतलब मेरा स्टेटमेंट वन करेक्ट नहीं हो सकता दूसरा स्टेटमेंट ठीक है तारीफें कर रहे हैं तो ऑप्शन बिल्कुल सही है कंप्यूटर कंट्रोल्ड है इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है सब कुछ है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगर अपने को बस इतना पता होता कि ये इंडिजिनस है तो आंसर इसका आप कर सकते थे ठीक है सो so, इनिशिएट किया था ये प्रोजेक्ट डी ने नाइनटीन में और स्टार्ट uh, किया था कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो डी का ही एक लैब है चेन्नई में उसके साथ इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ओके एंड बेसिकली इंडिजिनसली डिज़ाइंड है आपके सी और डी ने मिलकर के ये बनाया है और चेन्नई में ही इसकी uh, जो है इनाग्रेशन भी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इतने फैक्ट्स अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे पेपर में सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन एम ओ यू विद योर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क टू अचीव क्लाइमेट रेजिलियंस बाई ट्वेंटी फोर्टी तो यून के साथ एग्रीमेंट साइन करने वाली पहली भारत की स्टेट कौन सी है कि भैया एक फ्रेमवर्क बनाए जिससे क्लाइमेट रेजिलियंस बनाया जा सके उस पर्टिकुलर स्टेट को दो हज़ार चालीस तक सो द आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन डी बिहार पहला स्टेट है जिसने इस तरह का एमओ यू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ साइन किया है वंस अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन दिस इज एर्थ क्वेश्चन देखो कनेक्टिंग विथ सिटीज इंडिया फर्स्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इज बिंग बिल्ड ठीक है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे बड़ा जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और इंडिया का पहला दिल्ली अमृतसर एक्सप कटरा एक्सप्रेस वे पर बनाया जाएगा लखनऊ कन्कपुर एक्सप्रेस वे पर बनाया जाएगा डेली देहरादून एक्सप्रेस वे पर बनाया जाएगा या अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे अब ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होता है आपको पता होना चाहिए देखिए हाईवेज डेवलप किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और ये हाईवेज ऐसे होते हैं विच आर पासिंग थ्रू द जंगल्स ठीक है डीप जंगल्स में से पास कर रहे हैं तो अगर जंगल्स में से हाईवेज पास कर रहे हैं तो एनिमल्स के लिए तो फिर दिक्कत आ गई उनको क्रॉस वगैरह करने में प्रॉब्लम आएगी तो ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इसीलिए बनाया जाता है ताकि एनिमल्स की मूवमेंट को जो है ईज मिले और नेचर के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए ओके, okay. so, ये हिंदुस्तान का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कौन से Expressway पर बनाए जाने की बात हो रही है वेयर इज इंडिया फर्स्ट फुल फ्लैश इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सगारिका लोकेटेड तो इंटरनेशनल ट्रूज क्रूज टर्मिनल बनाने की बात हो रही है और उस क्रूज टर्मिनल का नाम है सगारिका क्रूज टर्मिनल बेसिकली एक तो होते हैं आपके जो नॉर्मल uh, टर्मिनल्स होते हैं जो गुड टर्मिनल्स होते हैं दैट आर फॉर गुड्स की डॉकिंग uh, अनडॉकिंग करने के लिए ठीक है अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गुड्स डॉक करने हैं शिप के ऊपर इंपोर्ट कर रहे हो तो अनडॉक करने हैं वैसे ही क्रूज टर्मिनल क्या हो गया जैसे जहां पर आपके जो क्रूज uh, शिप्स होती हैं विच आर बेसिकली फॉर पैसेंजर्स तो उन पैसेंजर्स की डॉकिंग अनडॉकिंग के लिए बेसिकली uh, या बोर्डिंग अनबोर्डिंग कहेंगे पैसेंजर्स के केस में ये टर्मिनल बनाया गया है और इंडिया का ये पहला फुल फ्लैज टर्मिनल होगा तो कहां पर लोकेटेड है विलिंगडन आइलैंड केरला मैंगलोर कर्नाटका पैराद्वीपिशा तमिलनाडु सो दिस फर्स्ट फुल इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल फॉर इंडिया इज लोकेटेड ऑन विलिंगडन आइलैंड केरला वंस अगेन आता ना आता वाला सीनैरियो यहां पर बन जाता है चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो डब्ल्यू से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होल्ड द मेंबरशिप ऑफ डब्ल्यू टू मतलब जो यूएन के मेंबर हैं वो डब्ल्यू के मेंबर भी हैं स्टेटमेंट टू द डब्लू टी ओ वॉज इस्टेब्लिश विद द साइनिंग ऑफ द माराकेश एग्रीमेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सो द आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली देखो ये होना बहुत मुश्किल है कि यूएन के सारे मेंबर जो हैं वो किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी सारे मेंबर्स हों ठीक है तो आपको पता होना चाहिए अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है डब्ल्यू तो नहीं है ठीक है तो डब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं न्यूज़ में क्यों था डब्ल्यूटीओ क्योंकि नाइजीरिया की डायरेक्टर जनरल फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यू टी है दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है वो पूछ सकते हैं सवाल के अंदर ओके okay? और पहली अफ्रीकन भी है जो डब्ल्यू uh, की डायरेक्टर uh, जनरल बनी है इससे पहले कोई भी अफ्रीकन डब्ल्यू का डायरेक्टर जनरल नहीं बना ओके okay? डब्ल्यू की ओरिजन की बात करें तो डब्ल्यू जो है सक्सेसर uh, है आपके गैट का दैट इज़ योर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो 1947 में क्रिएट किया गया था उसके बाद एक यूरोय राउंड ऑफ डिस्कशन चला 86 से 94 तक जो गैट के अंदर चला और इस यूरो राउंड uh, का जो रिज़ल्ट निकला दैट वाज द क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। टी ठीक है डब्ल्यू ने अपने ऑपरेशन जो है फर्स्ट जनवरी नाइनटीन में शुरू किए फाइनली माराकेश मोरक्को नाइनटीन में माराकेश एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसके अंदर डब्ल्यू को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी मेंबर्स की बात करें एक मेंबर्स हैं इसके अंदर इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं सारे के सारे कंट्रीज जो यूएन के मेंबर्स हैं वो डब्ल्यू के मेंबर नहीं हैं अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर था गैट का नाइनटीन में और सक्सेसर जो डब्लू है उसका भी फाउंडिंग मेंबर इंडिया है तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बोथ गैट एंडी ओ सो यू से यस इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बोथ दैम ऑल राइट ओके सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस आई होप यू एंजॉयड इट एंड यू गॉट टू लर्न सम न्यू थिंग्स ऑल राइट द पी डी एफ लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ फाइल्स फ्रॉम दैट एंड आई होप दैट यू आर स्टडिंग हार्ट कीप स्टडिंग हार्ट एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज अगर अब सेहत बिगड़ गई बेटा तो फिर पेपर के अंदर बहुत दिक्कत आ जाएगी चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय